स्टार्ट करते हैं बैरोमीटर से, राइट? इवेंजेलिस्ट टॉरिसेली आए थे 17th सेंचुरी में। ये बहुत ही बड़े फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन हैं। इस इंस्ट्रूमेंट को डिस्कवर करने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम था बैरोमीटर, जो आपने पढ़ा होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापता है। लेकिन ये कैसे नापता है? इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो चीज़ें ली। इन्होंने ली, एक तो ली ट्यूब, दूसरा लिया एक रिजर्वायर। रिजर्वायर एक छोटा सा बीकर मान लीजिए आप। अब इन्होंने क्या किया कि ये जो रिजर्वायर है इसको पहले ही फिल कर दिया था मर्क्यूरी से, अब जो ट्यूब है इसको भी पूरा फिल कर दिया ब्रिम तक। ब्रिम का मतलब बिल्कुल टॉप तक इसको फिल कर दिया, और इसमें कोई भी एयर बबल, एयर पार्टिकल कुछ भी नहीं है, सिर्फ मर्क्यूरी है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे अपना एक थंब लगाया, इसको ब्लॉक किया जगह को, और फिर ट्यूब को उल्टा करके इस कंटेनर में डाल दिया। जैसे ही डाला उसी टाइम इन्होंने अपना थंब भी हटा लिया, और उनको कुछ इस तरीके की पिक्चर देखने को मिली। क्या था कि जैसे इन्होंने नीचे से यहाँ से थंब हटाया ना, जो मर्क्यूरी है वो फॉल करने लग गई, और फॉल करते करते एक हाइट तक आते रुक गई। हमने देखा था कि हमने ना कोई एयर पार्टिकल छोड़ा था, ना हमने कोई गैस को इसमें जाने दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हो गया। ये स्पेस क्या था और कहाँ से आया था, इस बारे में हम बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अपने एटमॉस्फेयर की। हमें इतना पता था ऑलरेडी कि हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जिसका कुछ ना कुछ अमाउंट भी है। अब वो भी कहाँ से आ रहा है? वो भी आ रहा है वैक्यूम से, क्योंकि अगर हम अर्थ को देखें तो अर्थ में जो एयर स्टार्ट होती है वो वैक्यूम से ही तो स्टार्ट होती है। जो हमारा एटमॉस्फेयर बन रहा है वो वैक्यूम के कॉन्टैक्ट में ही है, क्योंकि स्पेस में कोई प्रेशर है ही नहीं। वो वैक्यूम से क्रिएट होता हुआ सीधा हमारे अर्थ तक आता है ग्रेविटी के एक्शन में, और हमें एक प्रेशर महसूस होता है एयर के पार्टिकल्स का। अब वही प्रेशर जो है वो यहाँ पे भी लग रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पॉइंट पे भी लग रहा होगा, इस पॉइंट पे भी लग रहा होगा। तब टॉरिसेली ने हमें बताया कि ये जो बाहर से प्रेशर आ रहा है, इसी की वजह से ये जो मर्क्यूरी है किसी हाइट पे रुक गया है। अगर ये प्रेशर थोड़ा कम होता तो इसकी हाइट शायद और भी कम होती, और कुछ ज़्यादा होता तो शायद उसकी हाइट कुछ ज़्यादा होती। तो इसका मतलब कोई ना एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे जो प्रेशर है वो मर्क्यूरी का भी वही प्रेशर होगा जितना बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है। अब हमें एक थ्योरी और पता है कि पी इज इक्वल टू रो जी एच, राइट? मतलब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम प्रेशर लग रहा होगा। अब क्योंकि ये वाला प्रेशर भी एब्सोल्यूट है, क्योंकि वैक्यूम से सीधा आ रहा है, और हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी एब्सोल्यूट प्रेशर ही है, तो हमें कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इट मीन्स अगर हम सेम हॉरिजॉन्टल पे कुछ पॉइंट्स लें, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड पे ये पॉइंट लें, ट्यूब के अंदर एक ये वाला पॉइंट लें, और ट्यूब के बाहर राइट हैंड साइड एक और ये वाला पॉइंट लें, मतलब पॉइंट ए, बी और सी, तो हम देख पाएंगे कि पॉइंट ए, बी और सी पे जो प्रेशर है वो सेम होगा, क्योंकि ए और सी तो एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में ही है, लेकिन जो पॉइंट बी है वो मर्क्यूरी के कॉन्टैक्ट में है। और अभी हमने बात करी कि ये जो बाहर का प्रेशर है ये अंदर वाली मर्क्यूरी की फॉल को कंट्रोल कर रहा है, राइट? जब टॉरिसेली ने इसको देखा तो उन्होंने पाया कि ये जो हाइट निकल के आई थी ये आई थी 76 सेंटीमीटर्स और 760 mm। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है P इज इक्वल टू रो जी एच। हमें मर्क्यूरी की डेंसिटी पता थी 13600 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज 9.81, इंटू हाइट जो उसने कैलकुलेट करी थी वो थी 76 सेंटीमीटर्स। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो डिवाइड बाय 100 कर देंगे, तो जो वैल्यू निकल के आई थी वो नियरली थी 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल, या मैं इसको लिख सकता हूँ 101325 पास्कल्स के इक्वल, जो कि हमारा स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और तभी हम कहते हैं कि 76 सेंटीमीटर्स या 760 mm ऑफ HG इज द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो आपको कई बार देखने को मिला होगा या सुनने को मिला होगा कि 760 mm या 76 सेंटीमीटर्स ऑफ HG इज द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस इज वाई, मतलब 76 सेंटीमीटर कुछ ऐसा नहीं है कोई डायमेंशन की वजह से, ये इट इज़ द कॉलम ऑफ मर्क्यूरी, मतलब कितनी हाइट तक का जो मर्क्यूरी है वो इतना प्रेशर लगा सकता है, क्योंकि जो प्रेशर है सिर्फ हाइट और डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, राइट? तो तभी जो है 101325 को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोल दिया जाता है। और हमने अब एक और चीज़ देखी कि अगर कोई साइंटिस्ट कोई बड़ा काम करता है तो हम उसके इंस्ट्रूमेंट्स में या तो उसका नाम कहीं किसी यूनिट में डाल देते हैं या किसी डायमेंशन में डाल देते हैं, राइट? तो क्योंकि टॉरिसेली ने बैरोमीटर बनाया था तो उनके सम्मान के लिए हमने 1 mm ऑफ HG को 1 TOR भी कहना शुरू कर दिया। इट मीन्स अगर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन की बात करें तो 760 TOR जो हैं
वो हैं 1 atmospheric pressure के इक्वल। अच्छा, अब इस ट्यूब के अंदर कोई गैस पार्टिकल था नहीं, तो जो भी यहाँ पे स्पेस क्रिएट हुआ ये था वैक्यूम, जो मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ ऑलरेडी। और इस वैक्यूम को भी टॉरिसेली वैक्यूम के नाम से भी जाना जाता है। अब प्रेशर की कुछ और भी यूनिट्स होती हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि 1013.25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1013.25 पास्कल। अगर इन यूनिट्स की बात करें तो 1013.25 पास्कल्स को हम 1 atmospheric pressure भी कहते हैं। एक और यूनिट आती है कि 1 pascal इज इक्वल टू 10^-5 bars। इट मीन्स 1013.25 pascal विल बी इक्वल टू 1.01325 bars, दैट इज 1 atm अगेन। ऑल्सो 1 atm को ही हमने ये भी लिखा था कि 76 cm ऑफ hg, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं 760 torr ऑफ hg। एक और यूनिट है कि हम 1 atmospheric pressure को 14.7 pounds per square inch भी लिख सकते हैं, ये PSI बोलते हैं इसको। और एक PSI जो है वो 6888.8 pascal के इक्वल होता है। ऑल्सो 1 kg force per cm² जो है वो इक्वल होता है 9.81×10^4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। तो अगर आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को 1 kgf per cm² में कन्वर्ट करना हो तो आप इस रिलेशन का भी यूज़ कर सकते हो प्रेशर को निकालने के लिए। तो आज के लेक्चर से हमने प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस को पढ़ना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मैनोमीटर्स के बारे में, स्टार्ट करेंगे सिंपल मैनोमीटर्स से, फिर आगे बढ़ेंगे डिफरेंशियल मैनोमीटर्स पे और फिर अदर मैकेनिकल डिवाइसेस की तरफ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपने गेट IAS JEE की तैयारी चालू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।